बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज मैंने भावलपुर जाना है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो गाड़ी बाहर आई हुई है और अब हम जा रहे हैं भावलपुर। तो आप वीडियो देखें, एंजॉय करने वाला। इधर देख, ये मेरा क्यूट सा भाई, आराम ना। पर आए हुए हैं और ये देखते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। और ये देखें, आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें, ये गाड़ी पेट्रोल लगवा रहे हैं हम। तो आप देखें, मैं अंदर नहीं बोल सकता, आपको पता है कि घर वाले सारे बैठे हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट ले लूँगा थोड़ी सी। तो आप वीडियो इंजॉय करें, हम वहाँ जाके फिर मिलते हैं बाय करते हुए। अब हम पहुंच गए हैं शादी पर। कहां पर पहुंच गए? शादी। तो शादी पर पहुंच गए हैं, ये बेचारे थक गए थे। तो गाइस, हम बहुत इंजॉय करेंगे, अभी उन्हें छोड़ के हम गाड़ी चलाएंगे। चलाएंगे ना गाड़ी, तो ये ड्राइव करेंगे। ड्राइव करेगा तो, क्योंकि इसे चलाने नहीं आती, मैं चलाऊंगा सिर्फ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इन भाई की ख्वाहिश थी कि हम गाड़ी पे चलें और उसके बाद क्या होता है, चक्कर लगाएं, पेट्रोल ख़त्म कर दें। हाथ मिला। ये गली है, हम जा रहे हैं और वो खड़ी हमारी सामने गाड़ी, ये गाड़ी खड़ी है और हम इसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उधर से आ गए। गजब बेइज्जती है। तो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी चलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली गाइस, ये देखें, ये मैं चला रहा हूँ गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, जैसा कि आप जानते हैं, वे हमने ना फिर अंदर जाके ना उल्टी खड़ा नहीं है, दूसरी तरफ, ठीक है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखें, हमने पार्किंग कर ली है गाड़ी, ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, सही। फाइनली अब खाना लग गया और दावत शुरू हो गई है। अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। भूख लग रही है तुझे? हैं, कितनी लग रही है? बहुत। चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे पेट में बिल्ली दौड़ रही है चूहे को खाने के लिए। ओ, रोटी सही है? रोटी सही है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये आइडिया अच्छी लगती है ना तुझे, है ना छोटू? सीन ये है कि अब हम लड़के वालों से हम फ्री हो गए हैं और हमने सब जाना है लड़की वालों के पास। कहाँ जाना है? मस्ती करने हैं। तो गाइस, चाचू गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे गाड़ी को मोड़ करने के लिए, क्योंकि अब हमने लड़की वाले के घर जाना है, लड़कियों वाले के, सॉरी यार बोला नहीं जा रहा। हम लड़के वाले घर से होकर अभी यहाँ से सब आ जाएंगे, फिर लड़की वाले घर जाएंगे। और आप वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, गाड़ी ना बिल्कुल आराम से चलानी चाहिए, ये हमारे बड़े कहते हैं, क्योंकि गाड़ी जितनी ज़्यादा पकाएंगे उतना ही हमारा नुकसान होगा। और दूसरा ये कि पेट्रोल भी ज़्यादा पिएगी। थोड़ी सी देर आराम से पहुंच जाएं, 2 मिनट, लेकिन सुकून से पहुंच जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। ये कि गाइस, अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? अबे जल्दी बोल।
गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं लड़की वाले के घर। ये देखते हैं, एक कच्चे मकान, ये सब कुछ मुझे देख के पता है कौन याद आ रहा है? वेला मुंडा, मेरा दोस्त, मेरा भाई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कि यार कसम से गांव में रहने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि बंदा गांव में ऐसे खुशहाली और आराम से सांस ली जा सकती है, कोई ट्रैफिक की किसी चीज़ की आवाज़ नहीं होती, बस आराम से बंदा सुकून से रहे। बताओ ऐसे बड़ी राम मौत मना है। पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? सुसु करने जा रहा हूँ। प्यारी समझ गई। सलामकुम, क्या नाम है तेरा? इधर देख, हैं तेरे ना के तन्ना के तन्ना के हैं दस तन तू नहीं सी तन्ना के दस। तो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम घर पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 9:30, और आप पता है सर्दियों के दिन में रात के 7 भी बज जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे 10 बज गया। तो अब 9:30 का टाइम है, मतलब कि 12 बज गए। तो गाइस मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। गाइस व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।